हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज मैं आपसे आलू मेथी की रेसिपी शेयर करूंगी, तो उसके पहले फटाफट आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, मैंने एक बाउल में बारीक काट कर मेथी पहले से ही धुल कर रख लिया है। ये आधा किलो के करीब मेरी मेथी है और ये मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे इस तरीके से बारीक काट लिया है। तो आप भी इसी तरीके से काट लें, या इससे मोटे भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये मैंने एक मीडियम साइज की बारीक प्याज काटी है, और ये आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, और ये 5 से 6 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने तीखे के हिसाब से डालें। और ये मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, जिसे इस तरीके से काट लिया है। फिर मैंने गैस पर कढ़ाई रखा, जिसमें सबसे पहले भरकर एक चम्मच भरकर तेल डाला है। तो यहाँ देखिए, हमारा तेल हो गया है। तो हम उसमें प्याज डालेंगे। ये हम चम्मच की मदद से प्याज को मिला लेंगे, ताकि हमारी प्याज जले ना। उसे हमें बीच बीच में डुलाते रहना है, मिलाते रहना है। तो उसके बाद हमने फिर जो हरी मिर्च काट कर रखी थी उसे डाल दिया है, और उसे फिर चम्मच की मदद से मिला रहे हैं, ताकि हमारा प्याज नीचे से जले ना, लगे ना। ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, एकदम सिंपल आलू मेथी की रेसिपी है। और बनने के बाद ये जो सब्जी होती है बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप तो सभी जानते हैं कि ठंडियों के दिन पे ही मेथी आती है, और हर घर में लोग आलू मेथी की सब्जी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें और घर पे ट्राई करें, बनाएं, खाएं, खिलाएं। और जो ये वीडियो है इसको आगे जरूर शेयर करिएगा। तो ये देखिए, हमारी जो प्याज है ये हल्की लाल हो चुकी है। तो अब हम उसके बाद जो दो मीडियम साइज का आलू काट कर रखे थे उसे डाल देंगे, और इसे भी चम्मच की मदद से मिला लेंगे, ताकि हमारी प्याज जले ना। तो हमें चम्मच की मदद से इसे मिलाते रहना है। और थोड़ा सा इसे हम इसलिए आलू डाले हैं क्योंकि ताकि इसमें थोड़ा आलू पक जाए, तो हमारे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आलू को हल्का पहले तेल में पका लेना है, उसके बाद ऊपर से जो आधा छोटा चम्मच जीरा लिया हुआ था उसे डाल देंगे। अब देखिए, हमारे आलू ऐसे ही पक जाएंगे, हमें ढक्कन लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे आलू थोड़े बनकर पककर हल्के हो जाएंगे। तो उसके बाद हम उसमें टमाटर डाल देंगे, जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ है। ये देखिए, हमने यहाँ टमाटर भी डाल दिया है। तो फिर इसे भी चम्मच की मदद से मिला लेंगे, और इसे तब तक मतलब मिलाना है जब तक कि हमारे थोड़े टमाटर पक नहीं जाते, गल नहीं जाते। तो उसके बाद ही हम इसमें मेथी डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आपको चाहिए। अब थोड़ा हम अपने टमाटर को यहाँ पकने देंगे। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से मिलाते रहें। अब उसके बाद हमने जो एक बाउल मेथी काट कर रखी है उसे डाल देंगे। ये हमने सारी मेथियों को उस कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे भी चम्मच की मदद से मिला लेंगे, ऊपर नीचे हम अपनी मेथी कर लेंगे, और फिर ढक्कन लगाकर हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच में छोड़ देंगे। तो हमारी मेथी देखिए यहाँ बनकर तैयार है, लेकिन हल्का जो पानी दिख रहा है, तो उसे हम गैस का जो आंच है, फ्लेम है, उसको बढ़ाकर इसे थोड़ा भूंज लेंगे, ताकि वो जो थोड़ा बहुत बचा हमारा पानी है वो सूख जाए। तो ये देखिए, पानी यहाँ हमारा सूख चुका है और हमारी आलू मेथी की शानदार सब्जी बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, खाएं, खिलाएं। और ये हमने ऊपर से धनिया डाल दिया है, इससे हमारे सब्जी में अलग ही खुशबू आती है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरे वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।